अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम नासिर जुवेद मलिक फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। आवर कोर्स ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड वी डिस्कस फर्स्ट टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं लाइन ऑफ चार्ज। लाइन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ये हमने इसमें हमने एक थिन रॉड लेना है जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा, और उसी के ऊपर हमने चार्ज प्लेस करने हैं। पॉजिटिव चार्ज भी आप प्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी प्लेस कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को प्लेस किया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और हम यहाँ से इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अ थिन नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, हमने क्योंकि एक थिन रॉड लिया हुआ है तो ये लेंथ वाइज है, तो इसलिए हमारे पास इसकी जो होगी वो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी, और लाइन चार्ज जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास चार्ज पर यूनिट डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस इक्वेशंस के अंदर लैम्डा इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास डी क्यू जो है वो चार्ज है जो कि हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है इस रॉड की लेंथ एल के ऊपर, और डी ऑफ एक्स हमारे पास एलिमेंट का डिस्टेंस है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास एलिमेंट, हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है रॉड के ऊपर और उसी की हमने लेंथ ली है डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये हमारे पास रॉड की लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास रॉड की राइट साइड है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी लिया है जो कि डिस्टेंस सेंटर से एलिमेंट जहाँ से हमने लिया हुआ है वहाँ से डिस्टेंस आर पे है, और डी डिस्टेंस से लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड से है, और यहाँ पी पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं इसी रॉड की वजह से जो कि एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको और भी सैम्पल मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो रिप्रेजेंट की गई है लैम्डा से। तो लेट अस डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ड्यू टू रॉड एट पॉइंट पी। हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड, और हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डी ऑफ एक्स जो है वो एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, और इसी की वजह से हमने पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और चार्जेस जो हैं इस डी एक्स एलिमेंट के ऊपर जो कि स्मॉल एलिमेंट है, वेरी स्मॉल एलिमेंट, इसके ऊपर चार्ज जो है वो डी क्यू है। तो हमारे पास यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसका फार्मूला आ जाता है लैम्डा इज़ इक्वल टू डी ऑफ एक्स ओवर डी क्यू ओवर डी ऑफ एक्स। यहाँ से अगर आप चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे पास डी ऑफ एक्स जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी से, वो हमारे पास यहाँ पे चार्ज डी क्यू आ जाता है, और यहाँ से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू दिस एलिमेंट इज़ गिवन बाय, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल का कि इसके एलिमेंट के लिए हम, क्योंकि एलिमेंट का जो लेंथ है वो जो साइज़ है वो हमने डी ऑफ एक्स लिया हुआ है, तो उसके लिए पोटेंशियल जो है हम क्या लेंगे डी ऑफ वी लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑफ वी इज़ इक्वल टू 1/4πε0 यहाँ पे मौजूद है, और 4πε0 जो कि कांस्टेंट है, ε0 यहाँ पे आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है हमारे पास, टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू एयर, के एयर में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो जाती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डी क्यू चार्ज है, और आर हमारे पास वो डिस्टेंस है जो हमने, ये वाला डिस्टेंस है आर, ये हमने लिया है सेंटर से पी पॉइंट तक। और अब हमने इस इक्वेशंस के अंदर डी क्यू की वैल्यू प्लेस करनी है। डी क्यू हमारे पास इज़ इक्वल टू है लैम्डा डी ऑफ एक्स के, तो हमने इस इक्वेशंस के अंदर 1/4πε0 लैम्डा डी ऑफ एक्स एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर अंडर रूट, यहाँ पे हमने आर की वैल्यू पुट की है। आर की वैल्यू हमने यहाँ से इस पूरी डायग्राम से हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग
पैथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो आर हमारे पास जो है वो हाइपोटेनियस है, और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे बेस आपके पास डी है और परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास एक्स है। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की है, और इसी फार्मूले के अंदर हमने डी क्यू और डी ऑफ एक्स ये जो आर है उसकी वैल्यू प्लेस कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डेरिवेशन में तो नहीं चाहिए, हमें तो वी चाहिए पोटेंशियल, तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पे। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया, तो यहाँ से डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, और यहाँ पे आ जाता है लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास यहाँ से हैं कांस्टेंट, तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रल से यहाँ पे बाहर ले ली है। और उसके बाद हमारे पास 0 से L, क्योंकि जो रॉड है उसकी लेंथ जो हमने ली हुई है, ये सारा जो रॉड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रॉड है इसकी लेंथ जो है 0 से L तक है, कि हमने एक रॉड प्लेस किया हुआ है, इसकी यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये आपके पास क्या है L लेंथ है, तो इतना हमने ये रॉड लिया हुआ है इसके लिए। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास 0 से L तक इंटीग्रेट किया है, और डी एफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर यहाँ पे आ गया। अब ये जो हमारे पास है ये वाला सारा फैक्टर ये हमारे पास आ जाता है फार्मूला के इक्वल है। ये हम इंटीग्रेशन में एक फार्मूला पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास ये नीचे आपको गिवन किया गया है, यहाँ पे आपके पास ये ब्रैकेट ऐसे लगी हुई है। तो वी इज़ इक्वल टू लैम्डा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हम इस फार्मूले की इंटेग्रल की जगह हम ये वाला आंसर प्लेस करेंगे, तो हमने ये वाला आंसर प्लेस किया, और एज एट लिमिट हमने वैसे की वैसे राइट कर दी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा स्टेप आता है वो ये आता है कि हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट में हमारे पास सबसे पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, और देन हमारे पास लोअर लिमिट पुट की जाती है। तो यहाँ से हमने इस इक्वेशंस के अंदर अपर लिमिट पुट की है, और उसके बाद हमने लोअर लिमिट पुट की है। तो लॉग का एक रूल है कि अगर हमारे पास लॉग ए माइनस बी है, तो उसको हम राइट कर सकते हैं डिवीजन के अंदर, लॉग हमारे पास ए ओवर बी आ जाता है। तो उसी रूल्स को हमने फॉलो करते हुए, जैसे लॉग होता है ना, लॉग हमारे पास है ए ओवर आ जाता है यहाँ पे बी आ जाता है, तो उसी तरह हमने इसको क्या किया है, इस फॉर्म के अंदर इसी इक्वेशन को लिखा है, तो हमारे पास ये आ जाता है। तो ये हमारे पास एक फाइनल फार्मूला आ जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जब हम एक रॉड के ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस तरह नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस फार्मूले के अंदर जो है ना, पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और हमारे पास जो डिस्टेंस है उस पे कर रहा है, और लेंथ है जो रॉड की उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। पहले तो हमने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल एक रॉड के ऊपर, हमने यूनिफॉर्मली उसको प्लेस किया था। अब हम चार डिस्क है, एक जो हमारे पास प्लास्टिक डिस्क है, इसके ऊपर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और यहाँ से हम किसी भी पॉइंट, कोई भी हम इस डिस्क से पॉइंट ले सकते हैं, डिस्टेंस किसी भी डिस्टेंस से। तो उस पर हमने क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर अ सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क ऑफ रेडियस आर दैट हैज़ अ पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास है सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारे पास डिफरेंट आपको बुक्स में मिलेगा, सिग्मा कनेक्टिविटी को शो भी करता है, बट यहाँ पे आपके पास जो सिग्मा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास सिग्मा इज़ इक्वल टू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया ही हमारे पास होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कंसीडर अ सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क ऑफ रेडियस आर दैट हैज़ अ पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास है सिग्मा, और जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। हम यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि हमारे पास डिस्टेंस जी से है फ्रॉम द डिस्क अलॉन्ग इट्स एक्सिस डिवाइडेड। ये जो आपके पास है डिस्क से जी डिस्टेंस पे है
और यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अपना पोटेंशियल। अब हमने ये करना है कि इस डिस्क को ना डिवाइड करना है स्मॉल रिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट बाहर वाली आपको डिस्क नज़र आ रही है और ये अंदर वाला ये जो है ना ये रिंग्स नज़र आ रहे हैं। और इस रिंग का रेडियस जो है वो आपके पास स्मॉल आर है और ये जो कैपिटल आर नज़र आ रहा है ये आपके पास है पूरी डिस्क का रेडियस है और ओ हमारे पास ओरिजिन है। और यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक सर्कल नज़र आ रहा है ये वाला ये आपके पास रिंग है। और यहाँ पे डी आर ये जो है ये आपके पास क्या है रिंग की विड्थ दी गई है। और यहाँ पे हमने क्या करना है और इसके ऊपर पूरे के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस प्लेस किए हुए हैं। आप नेगेटिव चार्जेस भी क्या कर सकते हैं प्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमारे पास रेडियस आर था, आर रेडियस से हमने क्या किया एक रिंग से जो रिंग का रेडियस है वो आर है, उसकी विड्थ हमारे पास जो है वो डी आर है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि रेडियस की जो रेडियस रिंग का है वो स्मॉल है और उसकी विड्थ हमारे पास क्या है डी आर है। और इफ़ अ पॉइंट पी इज़ एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द रिंग, अगर हमारे पास ये रिंग की जो बाउंड्री है ये वाली बाउंड्री यहाँ से पी तक जो डिस्टेंस है ये वाला सारा ये हमारे पास क्या है ये ए डिस्टेंस दिया गया है। और पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो रिंग है उसकी विड्थ जो थी हमारे पास वो डी आर थी और उसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास डी वी होगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर हमारे पास डी क्यू ओवर ए आ जाता है। डी क्यू हमारे पास चार्ज है जो कि पूरी डिस्क के ऊपर होगा और ए हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द रिंग टू द पॉइंट पी वेयर वी फाइंड पोटेंशियल। अब सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्योंकि रिंग सर्कल फॉर्म में है तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास वो 2πr होता है जो कि यहाँ पे आपके पास प्लेस कर दिया और इसी को हम नाम ले रहे हैं लेंथ का नाम दे रहे हैं। और विड्थ हमारे पास रिंग की जो है वो हमारे पास डी एफ आर है। और अगर एरिया हमने कैलकुलेट करना है तो एरिया में हमारे पास चाहिए होता है लेंथ ज़रा विड्थ। तो हमने यहाँ पे जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई किया और साथ ही विड्थ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे एरिया निकल आया है जो कि क्या है 2πr dr। अगर हम इसी एरिया को क्यों अगर हम चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू आपके पास होता है चार्ज यहाँ से चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने यहाँ से आपके पास हमने चार्ज कैलकुलेट करना है तो एरिया इधर आकर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास एरिया की वैल्यू प्लेस की है और साथ ही हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही है और हमारे पास चार्ज निकला है। तो उसी इक्वेशंस के अंदर हमने क्या करना है अबव इक्वेशंस के अंदर हमने डी क्यू की वैल्यू प्लेस करनी है एंड देन हमारे पास जो ए डिस्टेंस है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द रिंग टू द पॉइंट पी वे आर वी फाइंड पोटेंशियल नो वी पुट इन दैट इक्वेशन डी वी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है सिग्मा और 4πε सिग्मा हमारे पास क्या आ जाता है सिग्मा और 4εo आ जाता है। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ से हम इसको अंडर रूट को ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास जी स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 1/2 हो जाता है और डी आर 2rdr ऊपर मौजूद है। सिग्मा हमारे पास डेंसिटी है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है ये भी हम क्या क्योंकि हमने यूनिफॉर्म चार्ज लिए हुए हैं तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया और अब हमारे पास हमने क्योंकि एक रिंग के ऊपर तो नहीं कैलकुलेट करना हमने पूरी डिस्क के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है। देन वी इंटीग्रेट फ्रॉम ज़ीरो टू कैपिटल आर। कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ दैट डिस्क नो वी पुट इंटेग्रल लिमिट 0 to r। हमने यहाँ पे 0 to r लिमिट पुट की है जी स्केयर प्लस हमारे पास आर स्केयर माइनस 1/2 एंड 2rdr पास। तो यहाँ पे r के लिहाज से अगर हम देखें तो आगे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। आर स्केयर का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 2r मौजूद है। तो जब इस तरह इंटीग्रेशन के अंदर जब हमारे पास डेरिवेटिव आगे गिवन हो क्वान्टिटी का जिसका इंटीग्रल हम ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं पावर्स में ऐड भी करते हैं और इसी पावर को डिवाइड भी करते हैं। तो इस इक्वेशंस में आगे डेरिवेटिव दिया हुआ है तो माइनस 1/2 के अंदर प्लस आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा और 1/2 यहाँ पे ये अंडर रूट में लिखा हुआ है और यहाँ पे पावर को डिवाइड भी कर देंगे 1/2 और यहाँ पे हमारे पास लिमिट एज इट है 0 से r हमारे पास लिमिट आ जाती है।
अब उसी के अंदर हमने क्या किया, लिमिट हमारे पास यहाँ पे जो है वो आर है, 0 से R लिमिट दी गई है, और वही हमने इसके अंदर लिमिट पुट किया है 0 से R, और वी इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जी स्केयर प्लस आर स्केयर अंडर रूट माइनस जी इंटू ब्रैकेट्स है हमारे पास। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, लिमिट पुट किया है। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और जब हम क्या करते हैं लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो वो हम प्लेस कर दें तो सारी क्वांटिटी 0 बन जाती है। तो हमारे पास सिर्फ आंसर किसका आएगा, अपर लिमिट का आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास कंडीशन है कि अगर हम जो डिस्क से डिस्टेंस है पॉइंट पी को इतने लार्ज डिस्टेंस पे हम ले लें कि रेडियस जो है डिस्क का उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो पॉइंट पी का, तो फिर हमारे पास पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, आया कि मैक्सिमम होगा या हमारे पास मिनिमम होगा। तो हमारे पास इफ़ जेड इज़ ग्रेटर देन आर रेडियस ऑफ द डिस्क देन वी इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट जी इंटू 1 प्लस। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या था, जी कॉमन था, तो हमने इसमें से जी स्क्वायर कॉमन लिया है और जी पहले मौजूद था, तो इन दोनों में के अंदर अब जी कॉमन आ रहा है, जी को हमने बाहर ले लिया है यहाँ पे, तो 1 प्लस R² प्लस 2Z² - Z, ये हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अगेन हम यहाँ से जी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ आंसर ऐसे आ जाता है, वी इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एंड जी प्लस आर स्क्वेयर 2Z, यहाँ से एक जी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एक जी रह जाता है माइनस जी इज़ इक्वल टू। अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड आर स्क्वेयर 2Z, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल, एंड वी इज़ इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वेयर 4 एप्सिलॉन नॉट जी इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पाई आर स्क्वेयर जी। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, 4 पाई भी आता है, पाई भी आता है, तो यहाँ से हमने इक्वेशंस कंप्लीट करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई भी किया है एंड डिवाइड भी किया है, तो हमारे पास यहाँ से कुछ इक्वेशन ऐसे आ जाती है, वी इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड चार्ज ओवर जी। तो यहाँ से हमारे पास एक फाइनल जो डिस्क का पोटेंशियल आया है उसके लिए जो इक्वेशन आई है वो ये आई है, वी इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड क्यू ओवर जी। तो यहाँ पे ये चीज़ ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास वी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है चार्ज के साथ, अगर आप चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप जी को जी के इनवर्स रिलेशन है कि अगर आप जी को वी आपके पास इनवर्स रिलेशन रखता है 1 ओवर जी के, अगर आप जी इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप जी को डिक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ चार डिस्क हमने कैलकुलेट किया। आई होप कि आपको आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया है, और कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।